नमस्कार दोस्तों, आज अपन शुरू करेंगे। अपन पढ़ रहे थे कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल, इनमें काफी सारी केमिकल रिएक्शंस अपन पूरे वीडियो में पढ़ी भी है। उसमें से सोडियम मेटल्स के साथ रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है, या फिर फॉस्फोसैलाइड्स के साथ रिएक्शन, HI के साथ रिएक्शन, ये सब अपन ने पूरे वीडियो में पढ़ी। अब नेक्स्ट अपन अगले पढ़ते हैं रिएक्शन से, इनमें ग्लिसरॉल की रिएक्शन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैसे होती है, क्या प्रोडक्ट बनता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन अपन पढ़े हैं कि रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जैसे मान लो एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ एसिडिक एसिड, ये एसिडिक एसिड है, ये कैसा एसिड है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अपन ये कहें कि RCOOH, इस एसिड को कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है वो ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करके कैसे बनाता है, देखते हैं रिएक्शन। सबसे पहले अपन लिखे ग्लिसरॉल, तो CH2OH, ये अपन ने ले लिया ग्लिसरॉल, और इसकी अभिक्रिया एसिडिक अम्ल के साथ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिडिक अम्ल लिया अपन ने, तो इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो -H2O यहां से H और OH बाहर निकल जाता है, जल का अणु बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2OCOCS3CHOH CH2OH। ग्लिसरॉल मोनो एसिटेट बन जाएगा, इसके समूह जुड़ गया, इसके साथ एक जल का अणु H2OH मिल करके H2O बाहर निकल गया, तो ग्लिसरॉल मोनो एसिटेट, ये देखो एसिटेट एसिटेट ग्रुप होता है CH3C CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप को बोलते हैं एसिटेट ग्रुप, तो ये बन गया ग्लिसरॉल मोनो एसिटेट। इसका नाम हो गया ग्लिसरॉल मोनो एसिटेट। अब इसके बाद दो OH ग्रुप हो रहे हैं, इसका मतलब एसिडिक अम्ल का दूसरा मोल भी इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, एसिडिक फिर जल का अणु बाहर निकल जाएगा, या मान लो जुड़ गया तो ग्लिसरॉल डाई एसिडेट CH3 CHOCH3 CH2, दो एसिडेट ग्रुप जुड़ गए ग्लिसरॉल से, तो ये बन गया ग्लिसरॉल डाई एसिडेट ग्लिसरॉल डाई एसिटेट बन गया। अब इसके पास एक OH समूह और है, तो एक OH समूह और है, तो ये एक मोल एसिडिक अम्ल के साथ और अभिक्रिया कर सकता है, ये ले लिया हमने एसिडिक अम्ल, वेरी सिंपल, ये तो यहां पर भी -H2O नहीं हो जाएगा, तो ग्लिसरॉल ट्राई एसिटेट बन जाता है CH3 CHO CH3 CH2 CH3, तो ये बन गया ग्लिसरॉल ट्राई एसिटेट, क्योंकि इसमें तीन एसिटेट समूह जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया ग्लिसरॉल ट्राई एसिटेट। तो अपन ये कहें कि ग्लिसरॉल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाता है, ग्लिसरॉल ट्राई एसिटेट बनाता है, क्लियर। चलो ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन हुई, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी गई है। तो ग्लिसरॉल क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सैलिक एसिड के साथ, ऑक्सैलिक एसिड आप सब जानते ही हैं, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। अब ग्लिसरॉल ऑक्सैलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, और जैसे ही मैंने लिया ग्लिसरॉल, ये तो ग्लिसरॉल है CH2OH CH2OH, ये ग्लिसरॉल,
और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं अपन, ऑक्सैलिक एसिड के साथ। तो इसकी रिएक्शन अपन करवाए ऑक्सैलिक एसिड के साथ। अब यह रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। यदि टेम्परेचर अपन लेते हैं 110 डिग्री टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड तो अलग प्रोडक्ट बनता है, और अगर अपन लेते हैं 260 डिग्री सेंटीग्रेड तो अलग प्रोडक्ट बनता है। 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 ले रहे हैं तो ऑक्सैलिक एसिड इसके साथ अभिक्रिया करके पहले जल का अणु बाहर निकाल लेगा -H2O, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट CH2O CO CO2H, और ये अपना क्या है CHOH CH2O, ये बन गया। 110 से 120 डिग्री पे अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सैलेट ग्लिसरॉल से ऑक्सैलिक एसिड जुड़ गया, जल का अणु बाहर निकल गया, तो इसको कहते हैं ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सैलेट। और ग्लिसरॉल जो मोनो ऑक्सैलेट बना, इस ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सैलेट को गर्म करते हैं तो CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ये जो ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सैलेट बना इसको अपन करते हैं गर्म, तो यहां से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, तो -CO2, तो क्या बन गया CH2O CH2, फिर हो गया CHOH CH2O। अब जो इस प्रकार का कंपाउंड बना, अब अपना अंत में क्या करवा देंगे इसका हाइड्रोलाइसिस, तो देखना बेटा यहाँ H इधर OH, तो ग्लिसरॉल तो वापस बन जाता है CH2OH 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 प्लस, साथ में क्या बनाता है CH और OH मिलकर के क्या कहते हैं इसको HCOOH, फॉर्मिक अम्ल बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लिसरॉल ऑक्सैलिक एसिड के साथ 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करके हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अंतिम उत्पाद फॉर्मिक एसिड बनता है। बहुत बार एग्जाम आया हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेट में आया हुआ है, RPSC में स्कूल लेक्चर में आया हुआ है, तो ये क्या बनाता है फॉर्मिक एसिड बनाता है, फॉर्मिक एसिड बनाता है। वेरी सिंपल, देखो दोबारा देख लेते हैं अपन, ग्लिसरॉल ऑक्सैलिक एसिड, यहां से HOH मिलकर के जल का बाहर निकल गया तो ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सैलेट बन गया, क्योंकि अनस्टेबल होता है इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, गर्म करके यहां से CO2 गैस बाहर निकल गई, तो इस प्रकार का कंपाउंड हो गया। ये भी अनस्टेबल टाइप कंपाउंड है, इसका फिर अपन क्या करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, जल अपघटन करवा देते हैं, तो ये प्रूव करके ग्लिसरॉल और फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करता है। कब? जब टेम्परेचर 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि टेम्परेचर 260 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, फिर वो प्रोडक्ट नहीं बनता है। जैसे मान लो टेम्परेचर दे दिया मैंने 260 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब ऑक्सैलिक एसिड कैसे जुड़ेगा देखिए ध्यान से, HOOCOH, तो अब यहां से और यहां से मिलकर के -2H2O, दो जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, और ग्लिसरॉल कैसे जुड़ जाएगा CH3O CO CH2O, तो इस प्रकार का कंपाउंड बनता है। अब इसका क्या करवा देंगे, गर्म करेंगे तो देखो एक CO2 अणु यहां से निकल जाएगा, दूसरा CO2 अणु यहां से, दो CO2 अणु, तो ये बन गया -2CO2, और फाइनल प्रोडक्ट बना CH2OH, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ग्लिसरॉल ऑक्सैलिक अम्ल के साथ 200-260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अभिक्रिया करके एलाइल एल्कोहल का निर्माण
करता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH LI का देखना। तो ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट कंपिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट रिएक्शन अपन बात करें पांच नंबर सिक्स हो गई सेवन नंबर KHSO4 के साथ रिएक्शन, या अपन बोलें P2O5 के रिएक्शन, या अपन बोलें कंसंट्रेट H2SO4। तो ग्लिसरॉल के विक्रिया या तो KHSO4 या P2O5 या कंसंट्रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्लिसरॉल के विक्रिया या तो KHSO4 का मतलब पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 मतलब पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट P2O फास्फोस पेंटा ऑक्साइड है ये P2O5 कंसंट्रेटेड H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनके साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये तीनों जो कंपाउंड हैं ये तीनों कंपाउंड कैसे होते हैं निर्जली कारक होते हैं निर्जली कारक। ग्लिसरॉल का जो अपना अणु लेंगे इससे जल के अणु को बाहर निकाल देते हैं इसलिए वो कहते हैं निर्जली कारक। तो देखना जैसे मैंने लिया ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH ये लिखा मालूम मैंने ग्लिसरॉल लिखा इधर लिखा था ना OH तो देख ये एच है तो यहां से H यहां से OH जल का अणु निकल रहा है इधर भी H2O यहां से H यहां से OH मिलकर के जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो इससे दो जल के अणु दो H2O OH और H2O OH H2O दो जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और क्या प्रोडक्ट बनेगा बच गया क्या CH2 या डबल बॉन्ड फिर आ जाएगा CH तो CH2 डबल बॉन्ड CH। इस प्रकार एक एल्डिहाइड बनती है जिसको कहते हैं एक्रिल एल्डिहाइड एक्रिल एल्डिहाइड को अपन बोलते हैं एक्रोलीन और इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ द ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल का परीक्षण कहते हैं। इससे इसमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है जिसको कहते हैं टेस्ट ऑफ द ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल का परीक्षण। तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहां डबल बॉन्ड फिर पुनर्विन्यास के द्वारा वापस जल विक्रिया करके क्या बनता है। देखो इससे पहले ये बनने से पहले देखो इससे क्या बनेगा जैसे अपने लिखा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड बच गया क्या CH ओ बचा यहां से OH यहां से H तो इस प्रकार का कंपाउंड बचा C डबल बॉन्ड हो गया CH। अब चूंकि ऐसा कंपाउंड क्या होता है अनस्टेबल होता है तो इसमें होता है पुनर्विन्यास तो ये पुनर्विन्यासित होकर के ये पुनर्विन्यासित होकर के क्या बना देगा एक्रिल एल्डिहाइड बना देगा। तो इसमें विशिष्ट प्रकार की गंध पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं एक्रोलीन और इस अभिक्रिया ग्लिसरॉल के अभिक्रिया KHSO4 के साथ या P2O5 के साथ करवाते हैं तो एक्रोलीन बनती है तो कहते हैं टेस्ट ऑफ ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल का परीक्षण कहते हैं ग्लिसरॉल का इससे टेस्ट करते हैं अपन कि इसमें ग्लिसरॉल है या नहीं तो टेस्ट ऑफ ग्लिसरॉल हो गया। ग्लिसरॉल विभिन्न प्रकार के लुब्रिकेंट्स के रूप में इसका उपयोग करते हैं एंटीफ्रीज के रूप में इसका उपयोग करते हैं और सॉल्वेंट एज ए लेबोरेटरी के अंदर भी प्रयोगशालाओं में ग्लिसरॉल से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ग्लिसरॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन कंपिटेटिव एग्जाम की तरफ से भी इम्पोर्टेंट है और
तो ये तो अपना ग्लिसरॉल चैप्टर कंप्लीट हुआ, ग्लिसरॉल का तो टॉपिक लिया था अपन ने। थैंक यू, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।